दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्रिक ग्रू में। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच फर्स्ट T20 मैच उसके बारे में, ड्रीम इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे, इंपोर्टेंट टीम न्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों उससे पहले मैं सिडनी थंडर और मेलबर्न स्टार्स के बीच में जो मैच होने वाला है उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। और यदि अभी तक आपने माई फेव 11 डाउनलोड नहीं किया तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए Raj123 कोड डालना है जिससे आपके लिए ₹50 कैश बोनस आ जाएगा। और बहुत शानदार एप्लीकेशन है दोस्तों, इंस्टेंट विड्रॉ है, लो कंपटीशन है, लो एंट्री फीस है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसकी टीम का आपके लिए मैं डायरेक्ट यहां से फाइनल प्रीव्यू दिखा दूंगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मैच का होने वाला है, मैच आप देख सकते हो एडिलेड ओवल एडिलेड में मैच होने वाला है, जो दोस्तों एक अच्छा स्कोरिंग विकेट है आपके लिए। देख सकते हो यहां पर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर के बारे में बात की जाए 169 रन है, वहीं सेकंड इनिंग्स एवरेज स्कोर के बारे में बात की जाए 150 रन है, हाईएस्ट टोटल के बारे में बात की जाए 188 रन रहा है दोस्तों, लोएस्ट टोटल के बारे में बात की जाए तो 146 यहां पर लोएस्ट टोटल रहा है, हाईएस्ट चेस के बारे में बात की जाए तो 158 रन यहां पर चेस हुआ है, लोएस्ट डिफेंड के बारे में बात की जाए देख सकते हो आप 188 यहां पर लोएस्ट डिफेंड रहा है, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बना था। यदि हेड टू हेड दोनों टीमों के बारे में बात की जाए तो यहां पर डेफिनेटली आप देख सकते हो यहां पर श्रीलंका आगे, आप यहां से देख सकते हो टोटल दोनों टीमों के बीच 13 मैच खेल गए हैं, इनमें से श्रीलंका ने आप देख सकते हो 8 मैच विन करके दिए हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 5 विन करके दिए हैं। लेकिन कल के मैच में यदि फेवरेट मानी जाए तो यहां से ऑस्ट्रेलिया को मैं तो फेवरेट मानकर चलूंगा कल के मैच में। यदि हेड टू हेड लास्ट 5 मैचों के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया ने 3 विन किए हैं, श्रीलंका ने 2 विन किए हैं और कोई मैच यहाँ से टाई नहीं रहा है। और लास्ट मैच हुआ था दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच काफ़ी शानदार हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर 11 और श्रीलंका के बीच, इसमें भूमिका राजपक्षे ने 24 और बिंदु हसरंगा ने 26 रन बनाए थे दोस्तों। वहीं हालांकि डेल क्रिश्चियन और दोस्तों यहां से इनकी ओर से कोई है नहीं है, और न डेल क्रिश्चियन इसमें खेलने वाले, न हैरी डैनसन खेलने वाले। संदकन ने 3 विकेट चटकाए थे, कसुन रजिथा ने आपके लिए 3 विकेट चटका कर दिए थे। तो श्रीलंका के आपसे स्कोर देख लीजिए यहां से दोस्तों, यही दोस्तों लगातार स्कोर करते आ रहे हैं। अभी पाकिस्तान के खिलाफ भी यदि आपने श्रीलंका टीम का T20 में प्रदर्शन देखा हो काफ़ी शानदार रहा था। चलिए बात कर लेते हैं जो हम दोस्तों प्लेयर कल के मैच में देखने वाले हैं, जो इंपोर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं उनके बारे में। ग्लेन मैक्सवेल आपके लिए दोस्तों की फैक्टर साबित हो सकते हैं, आपके लिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, तो आप ग्लेन मैक्सवेल को टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों एरोन फिंच आपके लिए ये भी इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, और दोस्तों एक टाइप करना मैं यहां से भूल गया, वो है दोस्तों डेविड वार्नर, जो कि दोस्तों छोटे डायनामाइट हैं, बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं, आप उन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं बात की जाए दोस्तों श्रीलंका की ओर से इसरू उदाना और दोस्तों यहां से निरोशन डिकवेला, और दोस्तों जो इनके अभी रिसेंटली काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं भूमिका राजपक्षे, आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं, आप उन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। इनका लास्ट रिकॉर्ड भी देख सकते हो दोस्तों, बिली स्टेनली, एडम जेम्पा, लसित मलिंगा और बिंदु हसरंगा, तो आप इनको टीम में लेने की कोशिश करिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहां से दोस्तों दोनों टीमों के संभावित 11 और दोस्तों बैटिंग ऑर्डर के बारे में। आप देख सकते हैं डेविड वार्नर एरोन फिंच के साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, दोनों ही दोस्तों काफी घातक बल्लेबाज है, काफी खतरनाक बल्लेबाज है, आप इन दोनों को टीम में ट्राई कर सकते हो। स्टीवन स्मिथ आपके लिए फर्स्ट डाउन बल्लेबाज करते हुए नजर आ जाएंगे, जो कि दोस्तों काफी टैलेंटेड और आप देख दोस्तों काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं। ग्लेन मैक्सवेल नंबर 4 पर दोस्तों, ये बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी इन्होंने इंडिया के खिलाफ, काफी शानदार बल्लेबाजी की दोस्तों, इंडिया से सीरीज भी जिताई थी दोस्तों, और 100 रन उसमें इन्होंने एक शतक भी लगाया था। एस्टन टर्नर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, एलेक्स कैरी दोस्तों, इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, लेकिन इनका यदि बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर में हो तो ये भी बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हैं। एस्टन अगर आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, पैट कमिंस हैं दोस्तों, इस मिचेल स्टार्क, एडम जेम्पा और केन रिचर्डसन, मेरे हिसाब से यही प्लेइंग 11 होने वाली है। यदि कोई भी चेंजेस होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आफ्टर टॉस, जी हाँ दोस्तों आफ्टर टॉस जो भी मेरे पास अपडेट आती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करता रहता हूँ, और जिन मैचेस की मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता उनकी दोस्तों आपके लिए यहाँ पर फाइनल टीम मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की संभावित 11, श्रीलंका की संभावित 11 के बारे में बात करें तो आपके लिए दसुन गुणतिलका ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, कुशल मेंडिस के साथ दोस्तों दोनों ही शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन दोनों को टीम में ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने भूमिका राजपक्षे के बारे में बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। ओडोसो फर्नांडो हैं दोस्तों, फर्नांडो आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, या इनकी जगह दोस्तों अविस्का फर्नांडो खेलेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, तो आप उन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। निरोशन डिकवेल आपके लिए शानदार ऑप्शन है दोस्तों, अभी प्रैक्टिस मैच में आपके लिए कैप्टेंसी करते हुए नजर आए थे निरोशन डिकवेला, और यहाँ पर नंबर 5 पर ये बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। दसुन सना का दोस्तों, बिंदु हसरंगे ये दोस्तों लगातार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इन्होंने शानदार गेंदबाजी बल्लेबाजी की थी। उसके अलावा इशरू उदाना आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, संदकन है दोस्तों, यहाँ से लसित मलिंगा और नुवान प्रदीप, दोस्तों आपके लिए इंपोर्टेंट गेंदबाज साबित
हो जाते हैं, तो आप नवान प्रदीप को टीम में ट्राई कर सकते हो, आप काफी अच्छे गेंदबाज हैं। दोस्तों जो लेटेस्ट फैंटेसी ऐप है माई फैबली में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आपको Raj123 जी दोस्तों Raj123 कोड डालना हाईली इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे आपके लिए 50 रुपए का कैश बोनस आ जाएगा। और दोस्तों ये काफी सारे अभी ऑफर दे रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है दोस्तों। यदि आप 50 से लेकर 6000 तक कितना भी डिपॉजिट करते हो, 5999 तक, तो आपके लिए 100% कैश बोनस मिलेगा। तो जल्दी से आप ऐड कर लीजिएगा आपके लिए, क्योंकि 100% कैश बोनस मिल सके। और दोस्तों यदि आप दिवाली के दिन कोई सी भी लीग ज्वाइन करते हो और आपकी उसमें एंट्री जा रही है, यदि आप विनिंग जोन में नहीं हो फिर भी आपके लिए एंट्री वापस आ जाएगी, ये दिवाली ऑफर चल रहा है, तो प्लीज आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसकी टीम का आपके लिए मैं डायरेक्ट यहां से फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूं, आप इसकी टीम का डायरेक्ट यहां से फाइनल प्रीव्यू देख सकते हो। यहां से दोस्तों मैंने कुशल परेरा को टीम में ट्राई किया, डेविड वार्नर, स्टीवन समेत दोस्तों, और यहां से एरन फिंच को टीम में ट्राई किया। दोस्तों जो टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज 1, 2 और 3 नंबर के, मैंने तीनों ही ट्राई किए हैं। उसके अलावा दोस्तों 4 नंबर के मैंने यहां से ग्लेन मैक्सवेल को टीम में ट्राई किया, रजिथा है दोस्तों, अविष्का वह दोस्तों, और उसके अलावा मैंने कुशल परेरा को टीम में ट्राई किया है। और दोस्तों बिंदु हसारंगा को मैंने यहाँ से टीम में ट्राई किया है, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को टीम में ट्राई किया है। उसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ से कसुन रजिथा को टीम में ट्राई किया है। यदि दोस्तों कोई भी चेंजेस होगा तो वो आपके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में चर्चा दोस्तों, जब हम ड्रीम इलेवन की टीम तैयार करेंगे तब हम कर लेंगे। चलिए यहाँ से दोस्तों ड्रीम इलेवन की टीम हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की, लेकिन दोस्तों यदि उससे पहले आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की, आपके लिए तीनों ही विकेट कीपर खेलते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों। ये दोनों लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी करेंगे, मतलब 5 से 6 नंबर पर, जबकि आपके लिए कुशल परेरा ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। यहां से मैं कुशल परेरा को टीम में ट्राई करूंगा, आप चाहो तो दोस्तों इन दोनों में से किसी को टीम में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों ग्रैंड लीग में खासकर निरोशन डिकवेला काफी शानदार चॉइस आपके लिए हो जाती है। चलिए बात करते हैं यहां से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की, बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों तो आपके लिए डेविड वार्नर ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, एरन फिंच के साथ दोनों बहुत शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन दोनों को टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा फर्स्ट डाउन आपके लिए स्टीवन स्मिथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, गुना तिलक आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। कुशल परेरा के साथ ओपन करेंगे और काफी दोस्तों भरोसेमंद, और मेरे ख्याल से अभी जो श्रीलंका की टीम है उसमें सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज और भरोसेमंद बल्लेबाज गुना तिलक हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा अविष्का फर्नांडो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, कुशल मेंडिस आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, या तो दोस्तों गुना तिलका के साथ कुशल मेंडिस ओपन करेगा या कुशल परेरा, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे कुशल परेरा के लग रहे हैं, तो कुशल परेरा आपके लिए ओपन करता हुआ नजर आ सकता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से भूमिका राजपक्षे, जैसा कि मैंने बताया अभी रिसेंटली काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके आए, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। ओडोसो फर्नांडो आपके लिए खेलते हुए नजर आ सकते, मैकडरमॉट और एस्टन टर्नर में से एक कोई खेलते हुए नजर आ जाएगा, मुझे ज़्यादा चांसेस दोस्तों यहाँ से एस्टन टर्नर के लग रहे हैं कि एस्टन टर्नर आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाए। तो चलिए दोस्तों मैं इनको किन किन को टीम में ट्राई करने वाला हूँ, डेविड वार्नर एरन फिंच को दोनों टीम में ट्राई करूंगा। अभी दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में यहाँ से डिस्टीबेंस स्मिथ को थोड़ा सा दोस्तों अवॉइड कर रहा हूं, आप चाहो तो टीम में ट्राई कर सकते हो, थोड़ा क्रेडिट इशू है दोस्तों मेरे पास, तो यहां से गुना तिलका को मैं टीम में ट्राई करूंगा। उसके अलावा दोस्तों यहां से मैं ट्राई करूंगा, और दोस्तों मैं यहां से ट्राई करूंगा भूमिका राजपक्षे को, आप अपने हिसाब से किसी को भी एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों आपके लिए एक ऑप्शन मैं दूंगा यहां से, आप ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। और दोस्तों अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों विदाउट हेजिटेशन आपके लिए ग्लेन मैक्सवेल बहुत शानदार ऑप्शन हो जाता है, तो यहां से एनएटी में ट्राई करने वाला हूं। उसके अलावा बिंदु हसारंगे आपके लिए भी काफी इंपोर्टेंट साबित होने वाला है, तो आप यहां से बिंदु हसारंगे को टीम में ट्राई कर सकते, इन दोनों के साथ जाऊंगा दोस्तों। इसके अलावा ऑप्शन आपके लिए मैं बता देता हूं, दसुन सनाक आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, यदि सैन जयसूर्या को मौका मिला तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकता है, एस्टन आगर को शायद ही मौका यहां से मिले। चलिए बात करें दोस्तों यहां से बॉलिंग सेक्शन की, बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों आपके लिए जो टॉप 3 गेंदबाज में इन तीनों को टीम में ट्राई करने वाला हूं, यदि इनमें कोई चेंजेस होता है, कोई नहीं खेलेगा दोस्तों, तब मैं यहां से पैट कमिंस को हटा सकते हो, या दोस्तों स्टार्क नहीं खेलते, स्टार्क मेरे हिसाब से कन्फर्म खेलेंगे, पैट कमिंस पे थोड़ा सा डाउट है, इनकी जगह बिली स्टैनली को मौका दिया जा सकता है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से तीनों ही खेलते नजर आएंगे, तो मैं तीनों को टीम में ट्राई करूंगा। अब मेरे पास 8.5 कैडेट बचे, यदि आप एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के साथ जाना चाहते हो 8.5 कैडेट में, तो आप उसके साथ जा सकते हो। यदि आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज यहाँ से अविष्का फर्नांडो के साथ जा सकते हो, कुशल मेंडिस के साथ जा सकते हो, या दोस्तों आप यहाँ से जो मैकडरमॉट या एस्टन टर्नर के साथ भी जा सकते हो। फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं अविष्का फर्नांडो के साथ जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों थोड़े से भरोसेमंद बल्लेबाज लगते हैं, और मुझे लगता है इनका जो श्रीलंका का टॉप ऑर्डर है दोस्तों वो थोड़ा सा केयरलेस होने वाला है, आप यहां से दोस्तों मैकडरमॉट के साथ या दोस्तों यहां से एस्टन टर्नर के साथ भी जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं यहां से कैप्टन
वाइस कैप्टन के बारे में। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आप देख सकते हो यहाँ से वर्नर और दोस्तों एरोन फिंच हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए ग्लेन मैक्सवेल, मैं इन तीनों को सजेस्ट करूंगा आपके लिए एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। यदि आप अपने हिसाब से और कोई सेकेंडरी चॉइस जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से आपके लिए गुणत तिलका और दोस्तों यहाँ से भूमिका राजपक्षे शानदार ऑप्शन आपके लिए हो जाते हैं। आप भूमिका राजपक्षे और गुणत तिलका में ऐसे भी कैप्टन वाइस कैप्टन अपना चूज कर सकते हो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।